मोनू का 3 महीने के सर्वे से खुले गराज। बाबा को मिला मिशन 75 का टारगेट। 2024 चुनाव क्यों है खास? कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी ने बदला प्लान। मोदी का राजस्थान दौरा, शाह का बंगाल दौरा, योगी के बड़े ऐलानों का मतलब क्या है? साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए हर एक वोटर के घर पर बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक पहुंचेंगे और उनसे संपर्क संवाद करेंगे। यानी महाअभियान के जरिए बीजेपी 80 विजय का महाप्लान तैयार कर रही है। लेकिन 2024 चुनाव में बीजेपी टिकट बांटने के लिए कौन सा फॉर्मूला अख्तियार करेगी? सांसदों का टिकट काटना और काम करने वाले नेताओं को टिकट देने का फैसला कैसे तय होगा? बीजेपी हर 3 महीने में एक सर्वे करवाने वाली है। चुनाव में अभी करीब 9 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में 3 सर्वे होंगे। उत्तर प्रदेश के हर 80 लोकसभा सीट पर होने वाले इस सर्वे में ये 3 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। पहला, जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है बीजेपी? सर्वे में लोगों से घर घर जाकर ये पूछा जा सकता है, बीजेपी की योजनाओं से कितना संतुष्ट है? केंद्र में मोदी और यूपी में योगी आपके लिए कितने सही साबित हुए हैं? दूसरा, लोकसभा सीट की इस बार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसके साथ ही बीजेपी के सांसद ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की है, तो उन्होंने उस पर कितना काम किया? इलाके की जनता उनसे खुश है या नाराज है? तीसरा, पिछले चुनाव में जीती बीजेपी 80 लोकसभा सीट में कौन सी ऐसी सीट है जहां मौजूदा हालात विपक्ष के पक्ष में है? विपक्ष किन मुद्दों को लेकर हावी होने वाला है? जिसे टिकट देंगे वो विपक्ष को जवाब कैसे दे पाएगा? उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां के सांसदों से जनता नाराज है। अब चूंकि योगी को मिशन 75 का टारगेट मिला है, पिछले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 62 सीटें ही जीत पाई थी। ऐसे में पिछली बार की सभी सीटों को बचाने के साथ साथ 13 नई सीटों को जीतने की चुनौती होगी। इसके लिए टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक में खास ख्याल रखना होगा। योगी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए निकाय चुनाव में जमकर मेहनत की और चुनाव से पहले ही गांव-गांव तक पार्टी के पक्ष में माहौल बना दिया। 2024 के चुनाव में योगी भले ही सांसदी नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए ये चुनाव खास होगा। योगी मिशन 75 का टारगेट होगा पूरा। यूपी मॉडल पहले क्यों है फेमस? ऐसे में प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी होगी मजबूत। योगी के अलावा ये चुनाव उन युवा नेताओं के लिए खास होगा जिन्होंने अपने इलाके में खूब काम किया पर पार्टी की तरफ से मौका नहीं मिला। ऐसे युवा चेहरों को पार्टी आगे ला सकती है ताकि युवाओं को साधा जा सके। इसीलिए इधर टिकट बंटवारे में कई नए नियम बन सकते हैं। आपने देखा होगा, पहले शाह बंगाल में ज्यादा वक्त बिता रहे थे, जबकि मोदी इन दिनों राजस्थान के दौरे पर खूब जा रहे थे, जिसका मकसद सिर्फ राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में बंपर जीत हासिल करना भी है। हालांकि ये चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि किसने कितनी सीटें जीती, पर अगर आपसे सर्वे में पूछा जाए कि आपके इलाके का सांसद कैसा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट में बता सकते हैं।